मैं डॉक्टर नवजोत पुरी, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स एट अमनदीप कमल हॉस्पिटल तरनतारन। सन 2004 विच मैं CMC हॉस्पिटल लुधियाना तो अपनी MD पीडियाट्रिक्स की थी सी। उस तो बाद मैं कई हॉस्पिटल विच एसोसिएटेड रही हाँ, जिस तरह गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मदर एंड चाइल्ड हेल्थ हैदराबाद, मेडिसिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसिज हैदराबाद, दी पारस प्लस हॉस्पिटल पंचकूला। अज मैं थोड़े नाल एक इंपॉर्टेंट हेल्थ टॉपिक के नाल डिस्कस करना चाहूँगी, जिससे सानू सब नू पता है कि गर्मियों का मौसम अगे आ रहा है। इस मौसम विच बच्चे तरह तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं। मोस्ट कॉमनली दस्त, डायरिया। ये दस्त क्यों लगती है? जो तो बच्चे साफ सुथरा भोजन नहीं खाते या साफ सुथरा पानी नहीं पीते तो उन्होंने ये प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं। मोस्ट कॉमन कारण की ने, बच्चे रेहड़ियों तो खाते हैं जिते कि साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता, खाने के उत्ते मक्खियों का बैठना, लैटरिन पेशाब करने तो बाद हाथ ना धोना, साफ सुथरे हाथों ना खाना ना बनाना, साफ सुथरे बर्तनों में खाना ना बनाना, इन सब कारणों के कारण बच्चों को दस्त होती है। छोटे बच्चों में दस्त के कारण अलग होंगे ने। मोस्ट कॉमनली रोटा वायरस होंगे है जो कि पानी के राही फैलता है। बैक्टीरिया के कारण भी बच्चों को दस्त होती है। मोस्ट कॉमनली है ईकोलाई बैक्टीरिया। जो भी बच्चे को दस्त लगती है तो पतली पतली लैटरिन करता है, नाल बुखार और उल्टी भी लग सकती है। इस नाल नाल कई बार छोटे बच्चों में यूरिन में इन्फेक्शन भी हो जाता है। इन सब प्रॉब्लम्स को दस्त ही इलाज करना बहुत जरूरी है। जो भी बच्चे को इदा की प्रॉब्लम लगे तो डिहाइड्रेशन का रिस्क बहुत बढ़ जाता है, यानी कि प्रॉब्लम कंट्रोल ना हो तो बच्चे के शरीर में पानी की मात्रा घट जाती है, तो बच्चे ज़्यादा घटन के नाल बच्चे की लाइफ में भी खतरा हो सकता है। इस करके जो भी बच्चे को दस्त लगे तो तुरंत बच्चे के डॉक्टर को लेके आओ ताकि बच्चे की प्रॉब्लम का सही सही इलाज हो सके। बच्चे के डॉक्टर उन्होंने ORS तक कोल पिलाना शुरू कर देंगे ने। माँ अपने घर में भी ORS तक कोल पिला सकती है। 1 लीटर साफ सुथरे पानी में एक पैकेट मिलाना होता है WHO ORS का, और हर 10 तो बाद बच्चे नू थोड़ा थोड़ा कोल बच्चे के वजन के हिसाब न बच्चे नू पिलाना होता है। माता नू बच्चे नू खिलाना पिलाना बंद नहीं करना चाहिए। अक्सर धारणा होंगी है मातावां दे विच कि दस लगन के बच्चे का खिलाना पिलाना बंद कर दो, पेट नू आराम दे दो। ऐसा बिल्कुल गलत धारणा है। जो छोटा बच्चा है तो माँ अपनी फीड करांदी रहे, तो बड़े बच्चों नू भोजन कराती रहे, तो साफ सुथरा ORS पिलाती रहे। इस अलावा बच्चे शिकंजी भी दे सकते हो, नमक और चीनी का घोल भी दे सकते हो, और तुरंत बच्चे के डॉक्टर को लेके आना चाहिए है। जो तो बच्चे के डॉक्टर ये देखते हैं कि बच्चा डिहाइड्रेशन में तो नहीं जा रहा, हूँ डिहाइड्रेशन के साइंस माँ भी देख सकती है। जिदा बच्चे का बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होना, बच्चे के आंसू सुक जाने, मूँह सुक जाना, पेशाब घट करना या पेशाब का बंद होना, ये सब डिहाइड्रेशन के साइंस ने। तो इस केस विच बच्चे नू एडमिट करके ग्लूकोज भी लगाना पै सकता है। सुदर्शको दस एक मामूली रोग नहीं, जो बढ़ गया है तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है बच्चे की हेल्थ वास्ते। तो इस नू किस तरह रोकथाम किस तरह करनी चाहिए है? बच्चे नू साफ सुथरा भोजन दो, भोजन के उत्ते मक्खी ना बैठे, साफ सुथरे हाथों के नाल साफ सुथरे बर्तनों में भोजन बनाओ। जदों भी लैटरिन पेशाब की है तो अच्छे साबुन के नाल हाथ धोने ने 2 मिनट। इन सब कारणों के नाल बच्चों की दस्त की प्रॉब्लम रुक सकती है। तो जिस समय पहले क्या दस्त के दौरान बच्चे को खिलाते पिलाते रहो, छोटे बच्चों रोटा वायरस की वैक्सीन जरूर पिलाओ। 1.5 महीना, 2.5 महीने तो 3.5 महीने तो यह वैक्सीन पिलाई जाती है। ये बच्चों रोटा वायरस डायरिया जोड़ा कि छोटे बच्चों में दस्त का बहुत कॉमन कॉज है, इसकी रोकथाम काफ़ी हद तक हो जाती है। होर की प्रॉब्लम्स आनिया ने गर्मियों के डेंगू का बुखार हो गया, मलेरिया है, टाइफॉइड है, ये सब बुखार गर्मियों में प्रॉब्लम्स बच्चे नू आ सकते हैं। बच्चों हर तरह की प्रॉब्लम वास्ते असी भी बैठे हैं थोड़ी हेल्प करने वास्ते। मैं अमनदीप कमल हॉस्पिटल तरन तारण में मंडे, वैनसडे और फ्राइडे 11 to 2 बजे तक बैठती हाँ, यानी कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार 11 to 2 विच मेरी ओपीडी होंगी है। तो अमनदीप मेडिसिटी हॉस्पिटल अमृतसर विच में मंडे टू सैटरडे सोम तो लैके शनिवार ताई 3 to 6 बजे तक मैं बैठती हाँ। अपनी कोई भी थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम हो सू जरूर कॉन्टैक्ट करो, असी अपनी पूरी एफर्ट लगा के बच्चे की हर हेल्थ प्रॉब्लम का निवारण करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। अंत विच इस वीडियो में देख रहे सभी दर्शकों मेरी यही सलाह है
कि जदों भी बच्चों नूं कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम आती है तो उन्होंने एक अच्छे सेंटर विच ले जा के एक क्वालिफाइड स्किल्ड और माहिर बच्चों के डॉक्टर नूं ही दिखाओ ताकि उन्हां दी प्रॉब्लम का सही से डायग्नोस ते इलाज हो सके। थैंक यू।